बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू आवर डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका ट्यूटर रज़ा लतीफ फ्रॉम गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज समुद्री। कोर्स टाइटल कैलकुलस 2, कोर्स कोड MTH 302, लेक्चर नंबर 33 डिलीवर करने जा रहा हूँ। आज जो हमारा टॉपिक होगा एक्सरसाइज नंबर 11.2 की जो एक्सरसाइज होंगी उनसे कनेक्टेड होगा, और जो क्वेश्चंस परफॉर्म करने के लिए आपके सिलेबस में इंक्लूडेड हैं वो मैंने यहाँ पे राइट किए हैं, थॉमस बुक है, और जो क्वेश्चन परफॉर्म करने वाले हैं वो हम यहाँ पर मेंशनलाइज हैं। और जो क्वेश्चन यहाँ पे राइट होंगे उनके अलावा अदर दैन जो क्वेश्चंस होंगे आप सभी स्टूडेंट को PDF फाइल डिस्क्रिप्शन लिंक शेयर कर दिया जा रहा है, आप सभी स्टूडेंट PDF फाइल को फॉलो कर लीजिएगा और जो क्वेश्चन होंगे आप इनको अंडरस्टैंड कर लेना और उसको अपने नोट्स में नीट एंड क्लियर राइट कर लेना। स्टेटमेंट इसकी है जो आपने क्वेश्चन परफॉर्म करने होंगे, परफॉर्म क्वेश्चंस फ्रॉम थॉमस बुक क्वेश्चन नंबर 15-20 एंड आल्सो क्वेश्चन नंबर 25-27, दीज क्वेश्चंस इंक्लूडेड इन योर सिलेबस। तो कंटिन्यू कर रहे हैं इसमें हम क्वेश्चन नंबर 15। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस अंदाज में है कि हमने स्लो फाइंड करनी होगी, जो पॉइंट आपको खुद से डिस्कवर करना होगा एनी पॉइंट टी पे, यानी आप कोई भी पॉइंट टी जो आपको गिवन होगा उससे आप एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे, देन आप डेरिवेटिव जो स्लोप है डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स वो आपने क्रिएट करना है, और जब आप डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स फाइंड कर लेंगे फिर आपने उसको एट पॉइंट टी पे कैलकुलेट करना होगा, ठीक है, देन आपके पास ये स्लोप वगैरह फाइंड हो जाएंगे। आज का हमारा टास्क स्लोप से कनेक्टेड होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15-20 तक हमने ये वर्क करना होगा। तो स्टेटमेंट है एक्स क्यू प्लस 2t² इज इक्वल है 9, एंड अनदर स्टेटमेंट्स के 2y³ - 3t² = 4, एंड आल्सो जो यहाँ पर t थर्ड पैरामीट्रिक वेरिएबल है दिस इज़ t = 2। इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया और इसको हमने सेकंड इक्वेशन मान लिया। फिर आपने यहाँ से क्या करना है कि फर्स्ट इक्वेशन से आपने t की वैल्यू पुट करके x को फाइंड कर लेना है, और सेकंड इक्वेशन में t की वैल्यू पुट करके आपने y को फाइंड कर लेना है। तो ये मैंने राइट किया एट टी इज इक्वल टू देन इक्वेशन नंबर 1 कैन बी रिटन एज या बिकम्स एक्स क्यू प्लस 2 × t की वैल्यू 2 है, इसका स्केयर आ गया इक्वल है 9 के, फिर आपने इसको कैलकुलेट किया, सो एक्स क्यू प्लस 8 = 9। 8 को दूसरी साइड पे मूव कर देंगे, तो 8 को जब दूसरी साइड पे मूव करवाया तो 9 - 8 = 1 हो जाएगा, सो एक्स क्यूब विल बी 1 और एक्स इज इक्वल टू 1 आप यहाँ से क्रिएट कर देंगे, क्योंकि 1 का क्यूब लेंगे तो पावर अगर सेम है तो उसके बेसिस सेम हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू मिल गई, इसको आपने बॉक्स में राइट कर देना है। ऑनवर्ड हमने टी की वैल्यू पुट करनी है इक्वेशन नंबर 2 में, एट टी इज इक्वल टू देन इक्वेशन नंबर 2 बिकम्स, फिर यहाँ से क्या बनेगा 2y³ - 3 × t की वैल्यू 2 है, इसका स्केयर इज इक्वल टू 4 हो गया, फिर आपने इसको कैलकुलेट करना है, सो 2y³ = 16 आ जाएगा, यहाँ से y³ = 8 हो जाएगा, और इसको रीअरेंज करके 8 को हम ले सकते हैं 2³, पावर सेम होंगे तो उसके बेसिस भी सेम हो जाएंगे, सो y = 2 हो जाएगा। ऑनवर्ड आपने डेरिवेटिव्स फाइंड करने हैं, डिफरेंशिएट को ये नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू टी, कोई नंबर 1 को आप डिफरेंशिएट टी के लिहाज से करेंगे, तो वहाँ से आप ये क्रिएट कर देते हैं एक्स क्यूब का डेरिवेटिव लिया तो 3x² और साथ में डी के लिहाज से कर रहे हैं तो dx/dt हो जाएगा, प्लस t² t⁴ का डेरिवेटिव, बल्कि आपके स्टेटमेंट में है यहाँ पर मैं दे लेता हूँ एक बार, आई थिंक हाँ जी 2t² है तो 2t² का डेरिवेटिव 4t हो जाएगा, ठीक है, और 9 का डेरिवेटिव 9 कॉन्स्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, ये आप इजीली परफॉर्म कर सकते हो, प्लस 4t = 0। फिर यहाँ से आपने dx/dt को एक साइड पर रखना है, बाकी पोर्शन को आप दूसरी साइड पर ले जाओगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा dx/dt = -4t/3x², ये आपने यहाँ से dx/dt को कैलकुलेट कर लिया। ऐसे ही आप अब डिफरेंशिएट को ये नंबर 2 को करोगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये आ जाएगा 6y² dy/dt - 6t = 0। डिफरेंशिएट जब आप t क्लास से करेंगे तो ये ऐसे क्रिएटेड स्टेप हो जाएगा। फिर यहाँ से आपने dy/dt को एक साइड पर रखना है, बाकी पोर्शन दूसरी साइड पर ले जाएंगे, तो आपके पास ऐसे ये रिजल्ट बन जाएगा t/y². फिर आपने स्लोप का फॉर्मूला अप्लाई करना है, नाउ dy/dx = होगा dy/dt/dx/dt, ये आपके पास फॉर्मूला है स्लोप का, ठीक हो गया। फिर उसके बाद आपने इनकी वैल्यूज पुट कर लेनी है, dy/dt की वैल्यू है t/y² और dx/dt की वैल्यू है -4t/x 3x²
तो फिर आपने इसको कैलकुलेट करना है, रीअरेंज किया, कैंसिलेशन किया, तो ये आपके पास स्टेप हो जाएगा 3x² / -4y². फिर आपने dy/dx को नेम असाइन कर दिया कि ये स्लोप के इक्वल है, स्लोप इक्वल होगा dy/dx, इसको चेक करना है एट पॉइंट टी पे एट टी इज इक्वल टू, फिर आपने इसमें वैल्यू पुट करनी है 3 × x की वैल्यू आपने कैलकुलेट की है 1 और y की वैल्यू आपने कैलकुलेट की हुई है 2 स्टार्टिंग पे, 3 × 1/-4 × 2² आपने इसको सोल्व किया तो ये बन गया 3/-16, ठीक हो गया। हैंस विच इज़ अ रिक्वायर्ड आंसर एज अ स्लोप फॉर्मूला। ऑनवर्ड हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 की स्टेटमेंट है टी इक्वल नेचुरल लॉगरिथमिक एक्स माइनस टी एंड अनदर स्टेटमेंट वाई इक्वल टी ई रेज टू पावर टी और टी इज इक्वल टू जीरो, जिस पे आपने चेकआउट करना है। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हो गई और ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन हो गई, ठीक हो गया। अब आपने क्वेश्चन नंबर 1 में टी की वैल्यू 0 पुट करनी है तो आपको यहाँ से एक्स का आंसर मिल जाएगा, और जब आप टी की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो आपको यहाँ से वाई का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। एट टी इज इक्वल टू 0 देन क्वेश्चन नंबर 1 बिकम्स सो 0 इक्वल एल एन इंटू एक्स माइनस 0, तो एल एन एक्स इज इक्वल टू 0 हो गया, और 0 को आप लिख सकते हो एल एन 1, ठीक है, एल एन 1 लिखा जा सकता है। और एल एन 1 देखें बहुत साइड पे नेचुरल लॉगरिथमिक आ रहा है तो एल एन से एल एन कैंसिल, सो एक्स इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ऑनवर्ड हमने अब टी की वैल्यू पुट करनी है 0 देन क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में जब आप टी की वैल्यू 0 पुट करते हैं देन वो आपके पास ऐसे स्टेप हो जाएगा वाई इज इक्वल टू 0 इंटू ई रेज टू पावर 0, सो आपको वाई की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी 0, ठीक हो गया। उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 1 को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये हो जाएगा 1/(1 − x − t) इंटू, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो जाएगा, तो 1 × dx/dt − 1, ये आप ओपनलाइज कर सकते हैं इजीली, इट्स नो इशू। उसके बाद ये मतलब जो आपके पास स्टेप है ना, ये मेरे ख्याल से मैं देख लूँ प्रोडक्ट रूल तो नहीं है, बल्कि नेचुरल लॉगरिथमिक एक्स माइनस टी था तो ये हो जाए 1/ नेचुरल लॉगरिथमिक के साथ जो भी टर्म होती है वो बटे के नीचे आ जाती है 1/(x − t), उसके बाद जो बटे के नीचे आप टर्म लेके उसका डेरिवेटिव लेते हैं तो एक्स का डेरिवेटिव 1 और साथ में dx/dt, क्योंकि डिफरेंशियल टी क्लास से कर रहे हैं इसलिए 1 × dx/dt हो जाएगा और टी का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, सो -1, ऐसे आप रीअरेंज करेंगे। उसके बाद आपने यहाँ से 1/(x − t) को इस तरह करना है कि x − t को दूसरे साइड पर ले जाएं, यानी कि x − t को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x − t आ गया इक्वल है dx/dt − 1, तो यहाँ से हमें dx/dt चाहिए, -1 को दूसरे साइड पर ले जाएंगे +1 हो जाएगा, सो dx/dt इक्वल x − t + 1। ऐसे ही अब हम डिफरेंशिएट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को विद रिस्पेक्ट टू टी के साथ, dy/dt इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर हम टी ई रेस्ट पर टी पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा टी ई की पावर टी का डेरिवेटिव ई की पावर टी रहेगा प्लस ई की पावर टी एज इट इज टी का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, ठीक हो गया। यहाँ पर हमने ये प्रोडक्ट रूल को ओपन किया हुआ है, यहाँ से अब कॉमन आ रहा है ई की पावर टी तो ब्रैकेट में आ जाएगा अनकॉमन पार्ट टी प्लस 1, तो हमें यहाँ से dy/dt की वैल्यू बन गई। उसके बाद ऑनवर्ड आपने क्या करना है, स्लोप का फॉर्मूला अप्लाई करना है, नाउ dy/dx इक्वल हो जाएगा dy/dt/dx/dt, ये हमने स्लोप का फॉर्मूला ऐसे राइट कर दिया। ऑनवर्ड हम अब इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे, ये आपके पास न्यूमरेटर वैल्यू है, ये आपके पास डिनोमिनेटर वैल्यू है, यानी ये अपर पोर्शन है ये लोअर पोर्शन का, आपने वैल्यूज को राइट कर दिया। उसके बाद आपने स्लोप इसे साइन करना है dy/dx को, स्लोप इक्वल dy/dx, इसको चेक करना है t = 0 पे, तो जहाँ जहाँ टी होगा वहाँ पर आपने 0 पुट कर देना है और एक्स की वैल्यू आप 1 पुट कर देंगे, तो आपके पास फाइनली इस तरह के स्टेप के बाद आपका आंसर आ जाएगा 1/2, हैंस विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर एज अ स्लोप फॉर्मूला। नेक्स्ट इसमें हमारा आज का जो टॉपिक होगा उसमें हम फाइंड करने जा रहे हैं लेंथ ऑफ द कर्व फॉर्मूला। लेंथ ऑफ द कर्व फॉर्मूला ये भी न्यू आपका टॉपिक है, इसमें हम क्वेश्चन नंबर 26 से ऑनवर्ड जो क्वेश्चन आपको साइन किए गए हैं जो आपके सिलेबस में इंक्लूडेड वो मैंने स्टार्टिंग पे मैंशन किया हुआ है, तो ये उनमें से मैंने एक क्वेश्चन चूज़ किया और ऑनवर्ड जो क्वेश्चंस होंगे आपने खुद परफॉर्म करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 26 की जो स्टेटमेंट है इसमें है फाइंड द लेंथ ऑफ द कर्व इन x = t³ and y = 3t² / 2, और इसमें जो टी की रेंज है बाउंडेड फॉर्म में जो कि कन्वर्जेंस है 0 से 3² के बिटवीन है, इसकी जो लिमिट है 0 से स्टार्ट हो रही है और 3² पे इसकी लिमिट क्लोज्ड हो रही है, ठीक हो गया, और ये बाउंडेड फॉर्म में है। नेक्स्ट ऑनवर्ड हम ना इसमें कर रहे हैं डिफरेंशिएट, x = t³ को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टी, सो dx/dt = t³ का डेरिवेटिव 3t² ऐसे ही हम
y को हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू t के हवाले से, तो ये आ जाएगा डी वाई डिवाइड बाई डी टी इक्वल हो जाएगा, इसका हम डेरिवेटिव लिया तो 3t आ गया। फिर हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है, सिंस वी नो दैट लेंथ ऑफ द कर्व फॉर्मूला कैन बी रिटन एज, लेंथ ऑफ द कर्व फॉर्मूला होता है लेंथ, लेंथ को हम ज़ाहिर करते हैं कैपिटल एल से, इक्वल है डेफिनेट इंटीग्रल लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 3 स्क्वायर रूट, और स्केयर रूट में पोर्शन आता है डी एस डिवाइड बाई डी टी का स्केयर प्लस डी वाई डिवाइड बाई डी टी का स्केयर और साथ में होल स्केयर रूट और साथ में डी टी। तो डी एस डिवाइड बाई डी टी की हमने वैल्यू फाइंड की है, दिस इज 3t स्केयर और इसका होल स्केयर हो गया, प्लस डी वाई डिवाइड बाई डी टी की वैल्यू कैलकुलेट की है, दिस इज 3t और इसका होल स्केयर और साथ में स्केयर रूट कम्प्लीट और साथ में डी टी। उसके बाद आपने इसको कैलकुलेट किया, 3t स्केयर की पावर 2 है तो ये हो जाएगा 9t की पावर 4 प्लस यहाँ से आ जाएगा 9t की पावर 2 और फिर ओवरऑल यहाँ से 9t स्केयर कॉमन आएगा और ब्रैकेट में रह जाएगा टी स्केयर प्लस 1 और 9t स्केयर का जब आप स्केयर रूट पे होल्ड करवाओगे यानी 9 का स्केयर रूट 3 आएगा और टी स्केयर का स्केयर रूट टी आ जाएगा, सो 3t और साथ में टी स्केयर प्लस 1 का स्केयर रूट आ जाएगा, यानी यहाँ पर आपके पास स्केयर रूट पोर्शन क्लोज नहीं हो सकता, तो यहाँ पर आपका स्केयर रूट रहेगा इनटू dt। फिर आपने यहाँ पर रीअरेंजिंग प्रोसेस करना है, यानी कि टी स्केयर प्लस 1 का होल स्केयर रूट को हम ले सकते हैं टी स्केयर प्लस 1 की होल रेज टू पावर 1/2 और देखें आप कि टी स्केयर प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या बन रहा है, 2t। हमें यहाँ पर जो ये टी है इसके साथ 2 बनाना है, तो यहाँ पर टी के साथ 2 क्रिएट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, और ये जो 3 था ना कॉन्स्टेंट, इसको हमने डेफिनेट इंटीग्रल बाहर ले आए, ये देख सकते हैं ये 3 बाहर है, और ये 2 से जो मल्टीप्लाई किया है और ये 2 से डिवाइड किया है ये सिर्फ और सिर्फ डेरिवेटिव बनाने के लिए किया है, क्योंकि टी स्केयर प्लस 1 का डेरिवेटिव होता है 2t, इसलिए हमने ये साथ में 2t dt साथ में राइट कर दिया, ठीक हो गया। अब देखें टी स्केयर प्लस 1 का डेरिवेटिव साथ में एग्जिस्ट है, मौजूद है, सो हम इसकी पावर में इंटीग्रेशन के अकॉर्डिंग प्लस 1 ऐड कर सकते हैं और वही पावर आप डिवाइड के नीचे भी लिख देंगे, ठीक हो गया। तो ये आ गया टी स्केयर प्लस 1 होल रेज टू पावर 1/2 प्लस 1 3/2 और डिवाइड बाय 1/2 प्लस 1 3/2 हो गया, और जो इसकी लिमिट है ये है 0 से 3 स्केयर रूट तक, ठीक है, और ये जो स्टार्टिंग पे 3/2 वो एज इट इज़ आ गया। उसके बाद आपने देखा कि 3/2 बटे के नीचे भी है, ये साथ मल्टीपल में भी पड़ा हुआ है, ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आपने अपर लिमिट यानी कि 3 स्केयर रूट यहाँ पर टी की जगह पुट करनी है और माइनस लोअर लिमिट टी की जगह 0 पुट करेंगे तो आपके पास ये ऐसे स्टेप क्रिएट हो जाएगा, यानी 3 स्केयर रूट का स्केयर प्लस 1 होल रेज टू पावर 3/2 माइनस 0 रेज टू पावर 2 प्लस 1 होल रेज टू पावर 3/2। आपने इसको सॉल्व किया तो ये बन जाएगा 8-1 और 8-1 इज इक्वल टू 7, हैंस विच इज़ द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द कर्व फॉर्मूला एज द रिक्वायर्ड आंसर। होपफुली आर डियर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर को सभी स्टूडेंट ने बहुत अच्छे अंदाज में अंडरस्टैंड कर लिया होगा, अगर फिर भी किसी टाइम में कोई कन्फ्यूजन हो क्वेश्चन कर सकते हैं, इंशाल्लाह अच्छे अंदाज में गाइडलाइन दी जाएगी। तो ख्याल रखिएगा आर डियर स्टूडेंट्स, दुआओं में याद रखना, अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ब्लेस्ड।